और आप लोग जो है डुग्गू से तरफ बच के ही रहिए। अभी आंटी जा रही है घास रखने के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो है मेरी सिस्टर वो बनाई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो अभी देखिए डुगवा मतलब ना मुझे कह रही है कि मतलब इसके साथ बदमाशी करेगी, इसका कॉपी सब फाड़ती है, इसीलिए हम इसको गोद में ले लिया। बताइए, स्टूडेंट को पढ़ने देना चाहिए ना, मौसी है ना, मौसी को पढ़ने देना चाहिए। और देखिए कितना बदमाशी करती है, और बेचारी को आज मार लगा है स्कूल में, इसीलिए होमवर्क बना रही है। और मैं भी इसको बोली हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि होमवर्क पूरा नहीं होता है तो मार तो खाएगी, तो आज मार लगा है सर से, इसीलिए आज बैठ करके बेचारी पढ़ रही है। और डुगू को भी देते हैं, डुगू भी हमारे जो पढ़ गए जो है अभी आए हैं, और इवनिंग में ना मतलब घूमने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अभी आए। और फ्रेंड्स देखिए ना, डुगू को पता नहीं क्या हो गया है, हमेशा रोते ही रहती है। और यहाँ पे देखिए आंटी लोग घास काट, डुगू आप लोग को बाय बाय बोल रही है। इधर पीछे में घास कटाई हो रहा है, इतना ज़्यादा घास है कि काटने वाली भी पता नहीं कितना परेशान हो जाती होगी। तो जितना ज़रूरी रहता है उतना आंटी लोग मिल करके काट देती है। आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ एक भैंस है, इसीलिए तो आंटी ही काटती है घास। सुबह से ना कितना ज़्यादा घास मतलब काट कट की है, और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा घास। हम भी जा रहे हैं घास काटने के लिए, जाते आंटी से ना मतलब काटने वाला कचिया होता है हंसुआ छीन करके, आज हम भी घास काटेंगे, देखेंगे हमको होता है कि नहीं होता है। फिलहाल मतलब ना जंगल में पता नहीं इतना ज़्यादा डर लगता है। ए चाची लब हमें घास काटे थी, देखिए यहाँ पे चाची भी काट रही है मांग करके। और अभी हम घास काटते हैं, देखते हैं हमको होता है कि नहीं। यहाँ फिलहाल डुगू देखिए रो रही है, क्या हुआ, नहीं रहेगी? आज आज देखिए डुगू रहेगी तभी तो हम घास काटेंगे, डुगू रहती नहीं है। और अभी जो हम बोले थे वो हमारा मैथिली भाषा था कि मतलब हमरो दबा घास काटेला, कुछ इस टाइप से हम लोग बात करते हैं। जो लोग मिथिला के हैं वो तो समझ ही जाएंगे। देखिए ये भी आंटी घास ही काट रही है और वो भी घास ही काट रही है। नीचे देख करके डुगू को भी नहीं रहा गया, वो भी नीचे घूम करके देख रहा है। आंटी जा रही है घास रखने के लिए, और बगल में ही है मतलब हम लोग घर के जस्ट साइड में ही है, तो जा रही है। अभी शायद भैंस को सारा घास दे देगी, बाकी और सब इधर भी घास है, उधर भी देखिए मम्मी काट। यहाँ पे आंटी लोग सब तीनों मिल करके घास को जमा करके अभी रखाएगी घर पे। और इधर से मेरी सिस्टर जो है आ रही है, मैगी मतलब बाबू के लिए कुछ लाने गई थी, वही खाने वाला लेके आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हम भी मतलब पहले काटते थे, हमको भी थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन उतना ज़्यादा अब नहीं होता है। देखिए थोड़ा बहुत काट लेते, और ऐसा अगर घास रहेगा तो सबको हो जाएगा काटने के लिए। देखिए यहाँ पे जो है छोटा वाला भैंस है उसको घास दे दिया, और अब बड़ा वाला भैंस जो है यहाँ पे दे दिए हैं, तो यहाँ पे काटते हैं। बाकी अभी और यहाँ इतना घास काटे और घास लाने ही गई है। अभी हम जा रहे हैं घर, बाकी काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया। इधर देखिए मम्मी लोग सब भी जा रही है, वो आंटी भी थी चली गई, बाप रे गिर गए। और सब लोग अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। डुगू के हाथ में मैगी है, होगा तो मैगी बना करके खाएँगे और डुगू को भी खिलाएँगे। बेचारी डुगू पूरा हमेशा रोते रहती है, कननवी हो गई है। तो चलिए घर आ ही गए हैं। चापाकल बेचारा वैसे रोते रहता है, यहाँ पे कोई नहीं आता है, सब वो वाला चापाकल को यूज करते हैं। डुगू को इतना साइकिल से डर होता है ना, देखिए रेड वाला कितना अच्छा साइकिल है, सोचे डुगू को बैठा करके घुमा देते हैं, लेकिन डुगू को डर होता है, साइकिल पे तो बैठना ही नहीं चाहती है। ये हमारा पूजा घर है, तो चौरचन के लिए देखिए बर्तन सब भी आ गया है, बाकी यहाँ पे पूजा हुआ है। तो अभी बर्तन सबको मम्मी चेक किया है, कहीं फूटा तो नहीं है, फिर इसमें दूध दे करके और फिर प्रसाद बनाएंगे। और देखिए ये वाला मूर्ति दादी जी खरीदी है, और ये वाला कितना अच्छा लगता है ना पूजा के। देखिए डुगू जा रही है बकरी के लिए, भागो रे, बाप रे मार भी देता है यहाँ का बकरी सब, देखिए कि कितना लड़ाकू नंबर वन है, मारेगा भागो ए। और देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो है मेरी सिस्टर वो बनाई है, और बाकी स्कूल से कुछ मतलब होता है वो भी जीती है। और ये वाला फूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे भी आता है बनाने के लिए, बट कभी टाइम नहीं मिला जो हम बनाएंगे। और आप लोग जो है डुगू से तरफ बच के ही रहिएगा। देखिए डुगू ना एकदम गन ले लिया है, बेटा चलाने आता है, वाह देखो। अभी आज मार्केट से 1 kg दूध आया है, क्योंकि ना मतलब आज दूध वाले दूध नहीं दिया चौरचन पर्व के कारण, तो अभी हम दूध को गर्म कर रहे हैं। देखिए जस्ट अभी पैकेट फाड़ रहे हैं, और उसके बाद चाय बनाएंगे। और इसमें दूध था दिन में लाए हुए थे, तो वो दूध बाबू पिए। देखिए सारा लाइट बाबू को दिखाने के लिए जला दिए हैं, और कितना अच्छा लगता है ना ये वाला लाइट, और बहुत ही अच्छा लगता है हमको।
अभी थोड़ा सा बाबू रो रही थी, बाबू के लगाए बाबू सर चोट लग गया था। तो देखिए इधर सारा लाइट वाइट इसके नाना जी जला दिए हैं, क्योंकि लाइट देख करके शांत थी थोड़ा सा, मतलब गोद में लिए थे पापा से ही थोड़ा सा चोट लग गया। तो डुगू काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, पापा को भी लगा कि चोट लग गया, ज़्यादा जोर से नहीं लगा था। तो इधर देखिए सारा लाइट को जो है अभी पीछे देखिए जलवाए हैं, और अभी डुगू उसी को देख, अभी मॉर्निंग है और आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि मतलब ज़्यादा नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत बारिश हो रही है अभी तक, इसीलिए हम लोग चाय पी लिए हैं, डुगू भी दूध पी लिए बोतल में दिए थे। और देखिए ये नीचे उतरने के लिए इतना ज़्यादा बदमाशी करती है, फिलहाल देखिए हमारे बरामदा पे कितना ज़्यादा पानी है, ये पानी हो गया। और यहाँ पे मम्मी जो नाग पंचमी में बनाई थी ना गोबर से जो होता है पूजा की थी, तो वो छूट नहीं रहा है, तो उसी को देखिए मम्मी छुड़ा रही है। और बाहर में देखिए बारिश हो रही है, बादल छाया हुआ है, इसीलिए हम डुगू को लेके बैठे हुए हैं, ऊपर में बारिश हो रही है, अभी हम बाहर आए हुए हैं। और डुगू देखिए भींग रही है बेटा, रे ओह, और अच्छा लगता है बारिश में भींगना, बट ना ज़्यादा बारिश हो नहीं रही है इसीलिए बाहर निकले हुए, थोड़ा बहुत ही हो रही है। देखिए आप देखते होंगे कि पूरा पानी इधर उधर भरा हुआ है, इधर भी पानी हो रही है, मेरे मुंह पे भी कुछ पानी पड़ा है, बाल पे भी, देखिए सीढ़ी पूरा भींग गया है। और आज ना पता नहीं पापा बोले थे मोटर लगाएंगे, तो मोटर भी लगेगा। बाकी आंगन में देखिए आप, पूरा बारिश का मौसम है, हमारे यहाँ बनेगा परवल का सब्जी। और अभी पता है 8 बज गया और आज कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि बारिश के वजह से अब बर्तन जो है हमको बाहर धोना पड़ता है, चापाकल अंदर तो है नहीं, तो इसीलिए बाहर बर्तन धोने के चक्कर में ना 8 बज गया। गैस पे जो है चाय सब बनाया है और चूल्हा पे खाना चढ़ा दिया, क्योंकि जल्दी नहीं होता है गैस पे, पता नहीं एक जलता है एक नहीं जलता है। तो अभी सारा सामान लेके जो है जा रहे हैं, तो अभी चलते हैं हम भी चूल्हा के पास। और ना बारिश तो आज रुकने का नाम ही नहीं लेता है, पता नहीं क्यों, बस थोड़ा दूर भींग के आना पड़ता है, बाकी तो सब ठीक ही है। तो यहाँ पे देखिए हमारा चावल होने वाला है के रखे हुए हैं, अब ज़्यादा कुछ आज बनेगा नहीं, बस चावल और सब्जी बनेगा। अब चावल हो गया है तो दादी जो है उसमें से मांस निकालेगी, क्योंकि हमको नहीं होता है ज़्यादा चावल रहता है, तो हम तो कभी ये सब चीज़ होता ही नहीं है मांस निकालने के लिए। और वैसे भी आप जानते हैं हमको कुकर में चावल बनाने का आदत है। चलते हैं डुगू के पास, फिलहाल देखिए डुगू वहाँ पे है, और डुगू को तो बिल्कुल भी मन करता है कि पानी में पूरा घूमे हम, लेकिन इसको हम घूमने देते ही नहीं है देखिए। और ये मौसी के साथ खेल रही है। जितना दूर में हमारा घर बना हुआ है वो सारा ज़मीन हमारा है। और बाकी आप लोग कहते थे ना कि मतलब इतना सारा मम्मी पापा को ज़मीन है, तो आप लोग बाहर में रेंट लेके रहते हैं, तो मम्मी पापा से थोड़ा ज़मीन लेके आप लोग खुद का घर बना लीजिए। तो देखिए हमारा खुद का घर होगा, बट जो है मम्मी पापा से हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि मतलब अच्छा भी नहीं लगता है। और रही बात दहेज का, तो हम यहाँ पे इतना दिन इसीलिए हैं, मतलब क्योंकि जाएंगे मम्मी थोड़ा सा आए हैं फर्स्ट टाइम, तो इसीलिए हम 10-15 दिन रुक गए हैं, बाकी नहीं रुकते। सारे फैमिली वाले होते हैं कि चलो मतलब लव मैरिज करते हैं और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बोलते हैं कि चलो अपने मम्मी पापा से दहेज लेके आओ, ये लेके आओ वो लेके आओ। हमारे यहाँ भी सब्जी सब उगता है, देखिए आप वो वाला छत पे देखते होंगे, वो वाला छत जो है उधर सब भी हमारा मतलब जैसे लकड़ी जलावन सब रखने के लिए घर बना हुआ है, ये भी घर है, तो इस सब पे भी सब्जी उब्जी हमको उगाते हैं। बाकी जो है हमारे यहाँ खेत मतलब नहीं होता है, पता नहीं कि उपजाऊ वाला खेत है ज़मीन, उपजाऊ वाला ज़मीन पापा को नहीं है, मतलब बस जितना में रहते हैं उतना ही ज़मीन है, बाकी उपजाऊ वाला ज़मीन सब नहीं है, जो खेती बाड़ी होता है सब कुछ हम लोग के मायके में हमारे मायके में खरीद के ही खाते हैं, ससुराल में भी सब चीज़ खरीद के ही खाते हैं। तो अभी थोड़ा बहुत दिक्कत है, और जो लोग सारा कुछ खरीद के खाते हैं उसको दिक्कत तो होगी, क्योंकि खरीद के खाने में ज़्यादा पैसा लग जाता है। इतना सारा ज़मीन देख रहे हैं, ये मतलब सरकारी है, जैसे सरकारी होता है ना, सरकारी प्लॉट है, इसमें पौधा सब लगाया गया है, सारा कुछ है। और हम लोग पापा घर हमारा बगल में, और पापा को जो है जॉब भी इसी में है, तो ये सब हमारा अपना नहीं है। पहले ऐसा होता था कि इसमें उपजाऊ होता था, अब पौधा सब लोग था, उपजाऊ होता था तो आधा सरकार को देना पड़ता था और आधा जो है हम लोग का होता था, बट अब इसमें पौधा सब लग गया है। यहाँ पे डुगू जो है मशीन चला रही है, तो जिसको जिसको कपड़ा सिलवाना है आप लोग ऑनलाइन कर दीजिए, ऑर्डर कर दीजिए, डुगू सबका कपड़ा सिल के भेज देगी। यहाँ पे हमारा सब्जी भून रहा है और इतना ज़्यादा मतलब जलावन लग गया है ना, देखिए लग रहा है कि जल रहा है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं जल रहा है, छीक आ रहा है। और देखिए ये पढ़ने नहीं गया दे, बेचारा सब पानी में ऐसे ही बोखा रहा है, वो आया होगा साइकिल लेने के लिए। और हम इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए,
और अभी तक आप हमारे वीडियो को देखे उसके लिए दिल से धन्यवाद।